I love you kitna. I don't know. मगर जी नहीं सकते without you. I love you कितना. What's up guys, this is your boy Anshraj Pote. और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है यार. वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो. तो यार जिसे मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. तो यार मेरे व्लॉग चैनल पे न्यू व्लॉग अपलोड हो गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ उसको भी सब्सक्राइब करो. तो मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए A few moments later. Assalamualaikum ma'am. Wait ma'am. Ma'am please wait. Please. Wait for what? पीछे आप नहीं बैठ सकती ना, थोड़ा सा मसला हुआ है. क्या मतलब पीछे नहीं बैठ सकती? वो थोड़ा सा मसला है ना इसको. क्या मसला है? पीछे वाले सारा जो पोर्शन है ना यहाँ से पीछे. क्या ऐसे? वो काला जादू हुआ है. क्या मतलब काला जादू हुआ है? हाँ जी. क्या? हाँ जी, वो इस पे काला जादू हुआ है. मैं जो सब पैसेंजर पीछे बैठता है ना, दो दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है. दिमाग सेट है आपका? सही बात कर रहा हूँ मैम. मुझे तीन चार कॉल्स आई हैं कि आपने जो आगे नंबर एक आप ऑलरेडी इतने लेट है, ऊपर से आप मुझे कहानियाँ सुना रहे हैं. क्या प्रॉब्लम क्या पीछे बैठने में? मैं आगे बैठूँ आपके साथ, आपका मतलब कहने का? जी आप आगे माइंड ना करें मैम, मैं आपकी फेवर कर रहा हूँ. अगर आपको मेरे बात पे नहीं कुछ मतलब बिलीव आ रहा तो आप बैठ सकती हैं पीछे. पहले इतनी खौफनाक कहानी सुना दी, क्या बैठ सकती हैं? अक्सर जो है ना मैं राइड जब बुक करता हूँ ना, तो बंदे उतर के जाते हैं तो बाद में मुझे पुलिस वाले कॉल कर रहे होते हैं, ये बंदे ने यहाँ पे कॉल किया. पुलिस वालों ने आपको पकड़ा नहीं आज तक? कब तक आप ऐसे काले जादू वाली गाड़ी लेके घूम रहे हैं? वो मेरी खाला ने करवाए हैं ना यहाँ पे. खाला मेरी बहुत ही वेली किस्म की खाला है आपकी. खाला कह रही थी मैंने काला जादू करवा दिया पीछे. मैं उसको शुक्र है उसने आगे नहीं करवाया. वो कह रही थी ये वाली सीट पे भी करवाना है. तो वो डायरेक्ट आप ही पे करवा देती ना, उसको आपसे इशू था तो वो सीटों पे क्यों करवा रही है वो? नहीं वो उसने अपनी बेटी का रिश्ता देना है ना मुझे, तो वो कह रही थी तुम्हारे करीब ना कोई आए इसलिए. नहीं बल्कि पीछे करवाया तो मैं आगे बैठू, बल्कि आगे तो बैठेगा कोई तो वो आपके करीब आएगा. नहीं आगे करवाना चाहिए था ना, ताकि पीछे पीछे रहे लोग आपसे ना. फिर ऐसे आप माइंड ना करेंगे मेरी बात यार. क्या प्रॉब्लम है? ये कहां से आ रहा है ब्रो? कैन यू लिफ्ट में थोड़ा सा आगे यार. मैडम प्लीज लिफ्ट में थोड़ा सा आगे. बंद करें से ऐसे छत्ती खाते हैं यहाँ पर. वो अंदर आ रहे हैं भाई. कहाँ पे तुसी जा रहे हो तुम? हेलो, आपने डोर लॉक नहीं किया हुआ था? कहाँ पे? बाहर हो यार. ब्रो यार कैन यू प्लीज लिफ्ट में थोड़ा सा आगे, बिकॉज यार आई एम जस्ट लैंडेड फ्रॉम यूके ताजा ताजा. आई डोंट अंडरस्टैंड यू. यू गो भाई, बाहर हो. मुझे पता है. ब्रो यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. मैडम प्लीज थोड़ा सा आगे. आप उनसे बात करें. भाई तुम कौन हो, कहाँ से आगे बैठ गए अंदर? ब्रो यू डोंट अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज. नो आप बाहर हो जाओ, मुझे आती भी नहीं वैसे भी इंग्लिश. तुम बाहर हो जाओ यार. कहाँ पे आ गए यार? ब्रो आई एम शीदा टली फ्रॉम यूके. आप अजीब बंदे हैं भाई साहब, आपसे एक बंदा कंट्रोल नहीं हो रहा है. बाहर निकाले उसे. भाई तुम मैं मैडम की आवाज नहीं आ रही, बाहर हो जाओ. कहाँ पे आ रहे हो? मैडम प्लीज मतलब कहाँ पे जाना है तुम्हें यार? लिफ्ट में थोड़ा सा आगे यार. कुछ नहीं होता. नहीं मैं तो बैठ गया हूं. मैडम से पूछ लो जाके. मैं सब आपके तमाशे जानती हूं. मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. मैडम से पूछ लो. मैं तो चलें जल्दी करें. मैडम थोड़ा सा चलें चलें शाबा जल्दी करें. थोड़ा सा आगे. अच्छा बस ठीक है, चुप. सीधा टल्ली. अच्छा यूके. हां से कहां कहां से उठ के आ जाते हैं और आपसे हैंडल नहीं होते. अजीब बंदे हैं आप. गाड़ी में कोई भी मुंह उठा के आके बैठ गया और आपको परवाह ही नहीं है. वो मतलब कि यार इन यूके एवरीबॉडी मतलब से कि यार या ओके लिफ्ट ओके मतलब इन पाकिस्तान देयर इज नॉट अवेयरनेस अबाउट लिफ्ट. पता नहीं तुम मैडम को पता होगा, मुझे तो पता नहीं तुम क्या कह रहे हो. मैडम यू अंडरस्टैंड? जी जी आपकी इतनी हसीन इंग्लिश हर कोई अंडरस्टैंड. मतलब इतने मुंह टेढ़े कर करके इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं आप? उर्दू बोल सकते हैं. नहीं वो मतलब आई एनी मतलब रेजिडेंट इन मतलब यूके. That's why my English is very cool. Bro, मतलब I am going to like my concert. ये मुंह है कॉन्सर्ट वाला? खैर
मैडम यू डोंट अंडरएस्टिमेट बताओ कि स्टॉप पे मांगने उतरना उतारे से जल्दी करो जिस स्टॉप पे उतरना है डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ शीदा टल्ली शीदा टल्ली बड़ी उर्दू में बड़ी इंग्लिश बोलते हो यार कहां से सीखी है ब्रो आई एम इन यूके यार व्हाट आर यू डूइंग मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड यार इलिटरेट पर्सन यू आर इलिटरेट पर्सन गाली ले रहे हो क्या कह रहा है मुझे तो पता नहीं लग रहा है क्या कह रहा है आप कुछ बता दो खामोशी से बैठो ब्रो कैन आई मेक यू मतलब एंजॉय या यू वांट टू फील एंजॉय बिकॉज़ शी दैट लीव इन द हाउस चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह ब्रो यू डोंट नो अबाउट मी जी इतने सलमान खान है आप जानते नहीं के बारे में आपकी गाड़ी में बैठा हुआ आप उसका मजाक उड़ा रही है यार छोड़ो यार मतलब यू वांट टू फील एंजॉय इन योर जहाज तो मतलब नाउ आई कैन प्रैक्टिस इन योर कार आप लोगों ने ऐसा एंजॉय नहीं कभी देखा होगा पाकिस्तान में World Noor is an amazing platform that offers you so many features that you would want to have. World Noor is your personal stage, and if you have the talent to showcase, let World Noor help you across a wider audience. World Noor lets you share audios, videos, documents, and even zip file. Isn't it cool? Chat with your contacts via World Noor messages. Send texts, audio, videos, and documents. World Noor also translate all chat messages in preferred language. High quality voice and video calls are another super cool feature of World Noor. Enjoy crispy voice and video quality on web and mobile apps. Be the next superstar with the World Noor Go Live. Click on the Go Live button and show your talent to the world. Strong privacy option lets you control what you share with others. Your data is your ownership and World Noor truly respects it. What's next? Create your World Noor account today and enter the world of socializing. World Noor, happy socializing. यार तुम उर्दू अच्छी खासी बोल लेते हो फिर तुम पंजाबी क्यों कट्ठा अंग्रेज पता नहीं कहां से आ गए मैडम आप मजाक कर रही हैं मैं तो आपको रहने नहीं दे रहा सेलिब्रिटी हूं मैं तो वैसे आप जरा गाड़ी जल्दी चलाएंगे स्पेशल उन्होंने यूके से इनवाइट किया है मैं पाकिस्तान मतलब उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं यार एयरपोर्ट पे ना एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं कि शीदा टल्ली कौन है गजब बेइज्जती है उनको अब मैं जाके बताऊंगा कि शीदा टल्ली कौन है ओके तो आर यू रेडी फॉर माय कॉन्सर्ट तो नहीं मैडम से आर यू रेडी मैडम जी जी मैडम ने तो आपको इनवाइट किया जी जी सुनाए क्या सुनाना पसंद करेंगे आई लव यू कितना आई डोंट नो मगर जी नहीं सकते विदाउट यू आई लव यू कितना मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज ना का वास्ता उनके सामने ना गाना ये यार मतलब कि ये मैंने कन्वर्ट किया जरा अपने स्टाइल में क्यों अपने स्टाइल में मैंने कन्वर्ट किया है आपको पता है कौन सा गाना है हमें तुमसे प्यार कितना यू डोंट नो ये आपने अपने कॉन्सर्ट में ये परफॉर्मेंस देनी है वहां जाके जी एक मशवरा दूं मत जाइएगा कैंसिल कर दें कहते मैं बीमार हूं देख ले मैडम यूके से इनवाइट टू लैंडेड हूं अभी अभी मैं उन्होंने उन्होंने आपको सुना मैं पहले तो सुना होगा आप... तो उन्होंने मुझे बुलाया ना आई एम सेलिब्रिटी आप जैसे ही होंगे वहां पे सुनने वाले भी जिसने आप जैसे को सुनना है उतरना कहां है तुमने
यार इतनी प्यारी तुम इंग्लिश बोल लेते हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? वापस चले वहां वाले ने धक्के मार के तुझे निकाल दिया। ब्रो आई टोल्ड यू आई हियर फ्रॉम माय कॉन्सर्ट सो आपको अब गाना सुनाऊं यार सही सुनाओ मतलब इंग्लिश तो आप लोगों को समझ आ नहीं रही तो मतलब अब जी 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 आप बोल इतनी खालिस इंग्लिश तो यार मुझे वहां पे यूके मतलब यूके वालों ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में लोग बहुत प्यार करने वाले हैं दैट्स व्हाई मतलब ये शर्ट पे देखो मेरे क्या लिखा हुआ है मैडम दिल बराए फरोख्त कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट क्या ओए ओए आप जैसे ये सड़कों पे फिर रहे होते हैं शीदा टलीज नोट रो शीदा टली में सिर्फ कमी एक मुस्कुराहट की है तो यार शीदा टली चुप होने का क्या लेगा शीदा टली इज नेवर मतलब स्टॉप ही इज ऑलवेज डूइंग मतलब एनी कॉन्सर्ट एंड लाइक सिंगिंग एंड मतलब अपना स्टाइल अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया अपने स्टाइल में सीखी आई अंडरस्टैंड यू ब्रो यू डोंट अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड तुम्हें इंग्लिश नहीं आता है जी ऐसा इंग्लिश हमको नहीं आता है रियली नहीं आता है चलो यार अब आपको गाना सुनाऊं यार फिर मतलब अब मैं सही यार पाकिस्तानी एक्सेंट में आ जाता हूं क्योंकि आपको पता नहीं लग रही मेरी इंग्लिश जी जी सो दैट्स व्हाई मतलब मैं अब आप उर्दू गाना सुनाओ हां जी हां जी उर्दू ही सुना दे इंग्लिश तो हमें हजम नहीं हो रहा चलिए कोई बात Okay, are you ready? Let's go. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम न रहो कुछ ऐसा हो ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊं मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा कोई कहानी जैसे दिल से जो दिल तक हो बयां आशिक दिल तेरा पुराना है ये
समझना तो कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है बिन चाहे अगर पूछे तुझसे ये तेरा दीवाना है मन मेरा माने ना मन मेरा सो क्या यू एंजॉय सीधा डली नहीं अच्छा गाना गाते हैं वैसे आप नॉट बैड देख ले मतलब सीधा टल्ली जो मतलब मूड स्विंग्स लाइक सीधा टल्ली ऑलवेज रॉक एंड मतलब मूड स्विंग कर देता है सीधा टल्ली हर जी 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 अच्छा गाना गाया आपने नो डाउट ब्रो यू एंजॉय गुस्सा था दिया आपने मेरा वैसे मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा था आपके अच्छे गाने की वजह से मेरा गुस्सा उतर गया बड़ी अच्छी बात है यार मांगा करो कहीं उन चारों पे ब्रो यू मतलब अंडरस्टैंड सीधा टल्ली Yes, I understand you. यदि कुछ आ रहे लगे तो भी आए नहीं आपका उतरना था जिस पॉइंट पे आके भाई कहां पे उतरना तुमने यार थोड़ा सा आगे बस रह गया थोड़ा सा मतलब आधा घंटा हो गया ये थोड़ा सा आगे पता नहीं इस बंदे ने कहां उतरना है देख ले मैडम आपको इंग्लिश गाना समझ नहीं आ रहा था जी, तो जी. मैंने कहा यार चलो आप उर्दू बोल सकते हैं ना तो आप बोल ले उर्दू क्यों इतने जबान को इड़ी उड़ी उड़ कर रहे हैं आप मैडम आप समझ नहीं रही आई एम फ्रॉम यूके ना आपको बताया मतलब वहाँ पे रह रहा है कि ना मेरा एक्सेंट ऐसा हो गया तो मतलब इंग्लिश मेरे खून में रच गई है अबे साले ओह माय गॉड तू बोल तो ठीक लो ना बोल भी तो सही नहीं है यार ब्रो यू डोंट अंडरस्टैंड देन व्हाई यू टेल दैट के बोल सही लो तीन आपको समझ नहीं आ रही तो मतलब तुम उड़ते ही बोल बेचारा यूके से जो आया हुआ है चलो ठीक है यार अगर तुम लोगों को नहीं समझ आ रही तो मैं फिर उर्दू ही बोल लेता हूँ हाँ जी आप उर्दू बोल तो मतलब अब मैं सही मतलब आपको समझ आ रही है मेरी हाँ जी जी आ रही है उतरना कहाँ ये बताएं आप बस यार ये थोड़ा सा आगे वो आएगा ना वो जो थोड़ा सा आगे मेरी डेस्टिनेशन है मेरी फैमिली वहाँ खड़ी है मुझे पिक करने के लिए मैं दो आदमियों के साथ गाड़ी से उतरूँ वो खुदा का खौफ खाएं भाई साहब आप मैंने आपको पहले ही कहा था अच्छा आपकी भी डेस्टिनेशन आ गई जी तुम्हारी भी आ गई दो लड़कों के साथ आई हूँ मैं और ऊपर से मैं फ्रंट सीट पे बैठाया है आपने मुझे आपको एक बात बतानी है क्या बात बतानी सीधा टल्ली ने मतलब आपका मूड सही कर दिया था आपके गुस्से में मेरी फैमिली वो ठीक है मेरा मूड ठीक हो गया भाई साहब लेकिन आप उतरे मुझे उतरना मेरी फैमिली नहीं मैं अच्छा नहीं लगता मैं इस तरह गाड़ी में बात बतानी है सुना क्या बात बतानी है अब क्यों सदर नहीं करेंगी ना डिपेंड करता है बात के ऊपर तो फिर तुम बता दो मजाक कर रहा क्या मजाक वो तो तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा मुझे यूके से नहीं हुई थी पैसे मतलब शक्ल पे कह रही है कोई बात नहीं मजाक कर रहे थे आप सब बात तो सुन जी सुनाए मजाक कर रहे थे आप आप लोगों ने मेरे से परमिशन ली अलाउड नहीं होता किसी की वीडियो ऐसे बिना उसकी परमिशन आप ड्राइवर है मैं आपकी कंप्लेन कर सकती हूँ मैडम इसलिए हम आपसे इजाजत ले रहे हैं कि आप कंप्लेन ना करें तो आपको हम उतार देते हैं आपकी लोकेशन पे तो आपको माइंड ना करें अगर आपकी वीडियो यूज कर ले तो सिर्फ इसलिए इजाजत दे रहे क्योंकि इसने गाना अच्छा गाया तो बहुत अच्छी बात है कैसी लगी यार आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताया यार वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो मैं तुम आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक